अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज जो हमारा टॉपिक है जी, वो नावल है इंटर पार्ट टू का, गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एज अ समरी मैं आपको सुनाऊंगा, एज अ स्टोरी आपने इसको याद रखना है। क्योंकि जैसा कि पहले 3 चैप्टर्स में आपने देखा है कि जितनी भी स्टोरी है वो सारी फ्लैशबैक में है। पास्ट मेमोरीज जितनी भी हैं जो मिस्टर चिप्स है वो हमें बता रहा है, यानी एक थर्ड पर्सन के ज़रिए राइटर ने इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें ये सारी स्टोरी सुना रहा है। तो अगर हम इसे एज अ स्टोरी याद नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं या कौन सा इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इसके तैयारी करने के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम उसको एक इंटरेस्ट के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर पढ़ेंगे तब भी हमें याद होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पेपर के लिए भी इसको पढ़े हैं तो भी हमें इसके ईयर्स जो हैं, जितने भी ईयर्स हैं, मतलब 1848 में बर्थ हुई थी मिस्टर चिप्स की और 1933 में जो थी उसकी रिटायरमेंट हो गई थी, ये सारे ईयर्स हमें याद रखने पड़ेंगे। 1898 में डेथ हुई थी कैथरीन की। इस तरह से याद जब हम रखेंगे तो हमारा इंशाल्लाह कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो स्किप होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से अनसीन क्वेश्चन आते हैं हर साल पेपर में इसके। तो इसकी समरी मैं पहले आपको सुना देता हूँ चैप्टर फोर की। चैप्टर फोर जब स्टार्ट होता है तो कहता है कि मिस्टर चिप्स के माइंड में उलझी हुई कुछ यादें हैं जो आ रही हैं। उन यादों को याद करते हुए उसे फिर मौसम बहार याद आता है, स्प्रिंग सीज़न याद आता है 1896 का। 1896 में ये 48 ईयर्स का हो चुका है। तो 1896 का वाकया से मुराद ये है कि उसे कैथरीन ब्रिजेस याद आ गई है कि व्हेन दे फर्स्ट मेट, कि जब वो पहली दफ़ा मिले थे। अब हुआ ये था कि ये एक पहाड़ी है ग्रेट गैबल के नाम से, जिसका नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ग्रेट गैबल के नाम से एक पहाड़ी है, वहाँ पर ये माउंटेनिंग के लिए यानी ट्रैकिंग के लिए जाता है अपने एक कुलीग के साथ। उस कुलीग का नाम होता है राउडन। इसका जो स्कूल का एक कुलीग होता है उसके साथ ये जाता है ग्रेट गैबल पर। वहाँ एक फार्म होता है जहाँ पर ये स्टे करता है लेक डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ पर जब ये एक दिन जाता है पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए, तो ये देखता है कि सामने एक लड़की होती है, वो लड़की इशारा कर रही होती है। अब वो असल में इशारा कर रही होती है अपनी किसी दोस्त को, जो उसकी फ्रेंड होती है, और वो लड़की होती है कैथरीन ब्रिजेस जो इशारा कर रही होती है। अब वो अपनी दोस्त की तरफ इशारा कर रही होती है, एक नॉर्मली वेविंग कर रही होती है, जबकि जो सामने चिप्स होता है वो ये समझता है कि शायद ये किसी मुश्किल में है, ये जो ख़तरनाक एज या किनारा है यहाँ पर खड़ी होकर इशारा कर रही है, मे बी शी इज़ गोइंग टू फॉल, शायद ये गिरने वाली है। इस वजह से वो उसकी तरफ जब तेज़ी से चलता है, हेस्टन करता है, रश करता है, भागता है उसकी तरफ, तो इसी दौरान जो उसकी एंकल होती है यानी जो उसका टखना होता है वो मुड़ जाता है, उसमें मोच आ जाती है, ट्विस्ट हो जाता है। तो ये सारी जो इंसिडेंट होता है ये कैथरीन देख रही होती है। अब ये समझती है कि शायद वो अपने आप को दिली दिल में जो है ना अपने आप को ज़िम्मेदार करार देती है कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट। वो फिर अब चूँकि वो ऊंचाई पर हैं, उसने नीचे जाना है अपने घर पर रेस्ट हाउस में जहाँ पर वो रह रहा है। और इसी तरह जो कैथरीन है अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आई है, वो भी एक रेस्ट रूम में रह रही है। अब वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और उसको दोनों तरफ से वो सहारा देकर कंधों पर, तो इस आदमी को नीचे उतारते हैं उस पहाड़ी से। अब इसमें ये है कि चिप्स बड़ा इस चीज़ से शर्मिंदा होता है कि वो तो रेस्क्यू करने गया था और वो रेस्क्यू हो गया, एक रेस्क्यूअर के तौर पर गया था, एंड ही वाज बीइंग रेस्क्यूड बाय दीज टू गर्ल्स। अब वो गर्ल्स भी उससे आधी उम्र की हैं, जिस तरह राइटर ने यहाँ पर लिखा होगा, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि मतलब चैप्टर नंबर 4 के लास्ट लाइन है या सेकंड लास्ट लाइन में कि वो उसकी बेटी की उम्र की थी, यानी इसी तरह जिस तरह उसकी बेटी, अब उसकी 48 साल उम्र है और जो कैथरीन है वो 20s में है। तो अब वो जब उसको लेकर आते हैं
दोनों फ्रेंड्स अपने इसके रेस्ट रूम में ले जाती है, जहाँ पर ये रह रहा होता है वहाँ पर उसकी जो देखभाल करती है। अब जब उसकी जो फ्रेंड होती है कैथरीन की, वो वहाँ से वापस चली जाती है, उसे भी कोई काम होता है। और इसी तरह जो रावडन होता है वो उस ट्रैकिंग के दौरान ही उसको कोई घर पर काम होता है, ज़रूरी फैमिली बिजनेस होता है, वो भी वापस चला जाता है। अब उससे पहले कि कैथरीन की दोस्त जाती है, ये कुछ दिन वहाँ पर जाते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं मिस्टर चिप्स की, उसके घर में जाके जहाँ पर वो रह रहा होता है। इसी तरह फिर कुछ दिनों बाद इसकी फ्रेंड भी चली जाती है। फिर रोज़ाना जो है ना, ये जो कैथरीन ब्रिजेज है, ये साइकिलिंग करती हुई साइकिल पे वहाँ पर आती है इसको इसकी लुक आफ्टर करने के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मिस्टर चिप्स है वो बड़ा कंजर्वेटिव है, बड़ा नैरो माइंडेड है, तंग नज़र है, वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता कि एक लड़की बाइसिकल चलाए या वो वोटिंग करे या फिर वो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े। जबकि जो व्यूज़ होते हैं कैथरीन के, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वो ये चाहती है और इसको बहुत अच्छा समझती है कि जो वीमेन है उनके पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, उनके सोशल राइट्स होने चाहिए, वो बाइसिकलिंग करें, वो इसी तरह वोटिंग करें या फिर वो हायर स्टडीज़ लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इन दोनों के बड़े अपोजिट व्यूज़ होते हैं, इनकी जो एज होती है दोनों की वो भी अपोजिट होती है। और इसमें साथ साथ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि जो चिप्स है वो बड़ा सीरियस लुकिंग पर्सन है, बड़ा खामोश रहने वाला, उसके मैनर्स बड़े अच्छे हैं लेकिन क्वाइट मैनर्स हैं, मतलब बोरिंग टाइप का शख्स है। और ऐसे जो पर्सन होते हैं वो कैथरीन को अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन द एंड वो इसी को फिर अच्छा समझना शुरू कर देती है। और उसकी वजह बताई है जो राइटर ने इसमें, वो बताई है इसकी ऑनेस्टी। और ये भी कहा है कि ही इज़ हार्ड टू नो, ऐसा शख्स जिसको जानना मुश्किल हो कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे लोग कैथरीन को ऐसा शख्स इसलिए फिर पसंद आया। इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि जो इप्सन है, हेनरिक इप्सन, जो कि आयरिश राइटर है, मतलब यहाँ उन्होंने तीन राइटर्स को मेंशन किया है। एक हेनरी किप्सन है, दूसरा जो है वो बर्नार्ड शॉ है, और जो तीसरा है वो विलियम मॉरिस। अब ये जो तीनों राइटर हैं, ये अपने ज़माने के फेमिनिस्ट रहे हुए हैं, यानी जो विमेन को सपोर्ट करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट कहते हैं। अब तीनों ये बड़े बुरे लगते थे चिप्स को, क्योंकि ये उनके हकूक़ की बात करते हैं, अपनी बुक्स में करते थे, जबकि ये बड़ा पसंद करती थी इन राइटर्स को पढ़ना, जो कैथरीन ब्रिजिस थी। अब ये इनके व्यूज़ थे। इसी तरह जो ये थी कैथरीन, ये इन चीज़ों के बिल्कुल हक में थी कि वोटिंग भी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी जाएं गर्ल्स, वो साइकिलिंग करें, बाहर घूमें फिरें, इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इनके बिल्कुल अपोजिट व्यूज़ थे। और एंड पर ये होता था कि जब ये वहाँ पर उसे मिलने जाती थी, ये अपने व्यूज़ बताती थी, तो जो चिप्स था वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं था, आर्टिकुलेट नहीं था, बड़ा उसकी जो गुफ्तार में इतना अच्छा नहीं था, एक्सप्रेसिव नहीं था। उसके बावजूद वो काफ़ी इस बारे में बहस करना जानता था चिप से, लेकिन जब वो ये ऐसी बात करती थी तो फिर वो खामोश हो जाता था। वो कहता था कि इसके आगे बहस करना फजूल है। फिर इन द एंड ये हुआ कि वो स्टिक के साथ चलता हुआ जाकर चर्च के पास एक स्लैब होता था, छोटा सा टुकड़ा वहाँ पर पत्थर का, वहाँ पर बैठ कर फिर वेट किया करता था कि कब जो है कैथरीन ब्रिजेस साइकिलिंग करती हुई वहाँ से गुजरेगी और इससे आकर मिलेगी। फिर एक और चीज़ इस चैप्टर में सामने आती है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, सामने ज़ाहरी हालत है उसकी कैथरीन ब्रिजेस की, उसको भी डिस्कस किया गया कि उसकी आईज़ जो हैं वो ब्लू हैं, उसके जो चीक्स हैं वो फ्रैकल्ड हैं यानी डॉट्स हैं उसके ऊपर, इसी तरह जो उसके बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं और स्ट्रेट बाल है, ये सारी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बताई गई है। और इसी तरह जो उसकी फ्लैशिंग आइज हैं, चमकदार आंखें हैं,
लास्ट में अगर आप देखें इसी चैप्टर के बिल्कुल लास्ट 2 लाइंस में हमें समझ आती है कि वो कहता है कि अभी चिप्स विदाउट स्टिक चलना उसने शुरू नहीं था कि या तो दोनों ने दिल ही दिल में अपने आप को इंगेज समझ लिया। और फिर जब नेक्स्ट ऑटम टर्म आनी थी, खजां का सीज़न आना था, उसे 1 हफ्ता पहले ही उन दोनों ने लंदन में शादी कर ली। और ये थी इसकी समरी पूरे चैप्टर की। अब इसमें से हमें जो करने वाली चीज़ें होती है, आपको पता ही है कि पेपर में वर्ड सिनोनिम्स आते हैं और दूसरा इसमें से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। वर्ड सिनोनिम्स आप अपनी किसी भी नोट से, बुक से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अनसीन है, इसलिए मैं डिस्कस करने लगूँ कि अगर आप ये 7 क्वेश्चंस कर लें तो आपका ये वाला जो चौथा चैप्टर है ये कवर हो जाता है। अब किसी दफ़ा ऐसा होता है कि जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट आ जाते हैं, लेकिन सवाल वो ही होता है, घूम फिर के यही 7 सवाल होते हैं। तो इंशाल्लाह इसी से, जैसा पहला क्वेश्चन है जी, वाई वाज स्प्रिंग 1896 वेरी डियर टू चिप्स, कि 1896 का जो मौसम बहार था वो मिस्टर चिप्स को इतना क्यों पसंद था। वो उसका रीज़न ज़ाहिर है यही है कि ही मेट कैथरीन ब्रिजिस हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट लव ऑफ मिस्टर चिप्स, दैट्स वाई ही कंसिडर्ड दिस स्प्रिंग ऑफ 1896 वेरी डियर टू हिम। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड कैथरीन बिगेन टू लाइक चिप्स, कैथरीन चिप्स को किस तरह पसंद करना शुरू किया। पहले वो यही कहती थी कि ये कोई खड़ूस किस्म का कोई बूढ़ा बाबा है जिसके साथ मैं जाकर जो है उसकी लुक आफ्टर कर रही हूँ, लेकिन बाद में उसे पसंद इसलिए आया कि ही वॉज़ हार्ड टू नो, वेरी हम्बल, वेरी क्वाइट इन हिज मैनर्स, और सबसे बड़ी बात उसने कहा है कि वो ऑनेस्ट था, ईमानदार शख्स था। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, और फिर उसने ये भी कहा जी उसकी ब्राउन आइज़ हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है व्हेन ही स्माइल्स। ये काफ़ी चीज़ें थी जो कैथरीन के लिहाज से काफ़ी थी किसी भी शख्स को पसंद करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू चिप्स हैपन टू कम अक्रॉस, या कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना, आमना सामना होना कैथरीन के, किस तरह जो चिप्स था वो कैथरीन को मिला। ये हमने पढ़ा है कि दे मेट एट ग्रेट गैबल एक्सीडेंटली, या वहाँ पर वो अचानक उनकी ज़ाहिर मुलाकात हो गई, जो भी वाकया हुआ कि वो ही थॉट दैट शी वाज इन एनी ट्रबल एंड ही हेस्टन टूवर्ड्स कैथरीन, बट इन द एंड ही स्प्रेंड हिज एंकल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, डिस्क्राइब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैथरीन ब्रिजिस। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी हैं और लिखनी भी हैं, कि शी हैड फ्लैशिंग आइज, फ्रैकल्ड चीक्स एंड स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और शी हैड ब्लू आइज़। ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके अलावा जी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वर पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ कैथरीन, या पॉलिटिकल भी कई दफ़ा नहीं लिखा हो सकता कि उसके व्यूज़ क्या थे, बस खाली ये हो सकता है कि उसके व्यूज़ क्या थे। तो आपने वही बातें लिखनी है कि शी वॉज़ वेरी इंप्रेस्ड विद दीज फेमिनिस्ट राइटर्स, और इनके आप नाम लिख सकते हैं। फिर आपने उसके व्यूज़ ये भी बताने हैं कि शी वॉज इन फेवर ऑफ वीमेन टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़ टू वोट, एंड दे कैन ऑल्सो दे शुड बी अलाउड टू साइकिल, कि वो साइकिलिंग की उनको इजाज़त होनी चाहिए। ये उसके पोलिटिकल व्यूज़ थे। और फिर उसके बाद वो मॉडर्निटी पे बड़ा यकीन रखती थी, जबकि जो चिप्स था वो 70s और 80s, यानी 1880s और 1870s की सोच रखता था। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वर चिप्स व्यूज़ अबाउट वीमेन, चिप्स के औरतों के बारे में क्या ख्यालात थे। वो ज़ाहिर है अच्छे नहीं थे। वो ये कहता था कि ये मॉन्स्टर्स क्रीचर है, ये जो है वो ख़तरनाक एक चीज़ है, इससे दूर ही अच्छा है। वो कहते था कि वीमेन शुड बी सॉफ्ट, डेलिकेट, फ्रेजाइल, और जो लोग हैं, जो बहादुर मर्द हैं, उनको चाहिए कि वो उनसे बड़े सॉफ्ट मैनर्स में बात करें, बट एट अ क्वाइट डिस्टेंट, काफ़ी फासले से, यानी इनके साथ दोस्ती या फ्रेंकनेस अच्छी चीज़ नहीं है। ये मॉडर्न औरतें जो हैं 90s की, दीज वर द व्यूज़ ऑफ चिप्स अबाउट वीमेन। What happened when Chips rushed to Catherine at Great Gable? अब हुआ क्या था जब ग्रेट गैबल पे मुलाकात हुई इनकी, और चिप्स जो था वो भागा था कैथरीन की तरफ, ये भी हमने पढ़ा। ये इस तरह से भी आ सकता है सवाल, तो हमने इसका आंसर वही देना है कि ही इंजर्ड हिमसेल्फ, ही स्प्रेंड हिज एंकल वाइल रशिंग टूवर्ड्स कैथरीन ब्रिजिस।
तो ये थे जी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर कोई भी मसला होगा, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा जी। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।